गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम इन योर मैथ्स क्लास। बच्चों, आपकी एक्सरसाइज सेकेंड सी कंप्लीट हो गई है। आज हम एक्सरसाइज सेकेंड डी करवाएंगे। ओके, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये व्हाट इज सक्सेसर, सक्सेसर क्या होते हैं? तो बच्चों, आपने बिफोर आफ्टर बिटवीन किए हैं ना अपनी लास्ट क्लास में, तो सक्सेसर होते हैं हमारे आफ्टर, ठीक है, और प्रेडिसर होते हैं बिफोर। तो सक्सेसर सेम वही है, इसमें सिर्फ नेम चेंज है। तो हमें, यानी जो ये नीचे नंबर दिए हुए हैं, इनके आफ्टर वाला नंबर लिखना है, यानी इसके बाद वाली काउंटिंग लिखनी है। तो फर्स्ट है आपका 101, तो इसके आफ्टर कौन सी आएगी? 102। तो इसका सक्सेसर क्या हुआ? 102। नेक्स्ट है आपका 790, तो 790 का सक्सेसर क्या होगा? 791। ओके, नेक्स्ट है आपका 4190, तो इसका कितना सक्सेसर बनेगा? 4191। 90 है तो 91। ओके, अब ये तीनों आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट है आपका, राइट द प्रेडिसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपको इसमें प्रेडिसर लिखना है। प्रेडिसर अभी मैंने बताया, बिफोर, क्या है ये? बिफोर, यानी हमें इससे पहले वाली काउंटिंग लिखनी है। तो 505 से पहले कौन सी आती है? 504। कौन सी आती है? 504। नेक्स्ट है आपका 530, तो 530 से पहले 529, ठीक है। नेक्स्ट है 4900, तो 4000 तो सेम ही रहेगा, 900 यानी 899 के बाद 900 हो जाएगा। तो ये सेम आपको तीनों आपको होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट आपका ये भी होमवर्क है, राइट द प्रेडिसर एंड सक्सेसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें अब ये बीच में डिजिट दे रखी है, इससे प्रेडिसर भी लिखना है इसी का, और इसी का सक्सेसर भी लिखना है। जैसे एग्जांपल के रूप में आप फर्स्ट कर सकते हैं 3840, तो इससे प्रेडिसर कौन सा है? 3839, 40 से पहले 39 आता है। अब बताइए इसका सक्सेसर 3841, ये इसके बाद वाली काउंटिंग। प्रेडिसर बिफोर, सक्सेसर आफ्टर, क्लियर? अभी आप अपने होमवर्क में करेंगे आप, और आगे आपके बहुत सारी एक्सरसाइज भी दे रखी हैं टेस्ट के रूप में, वो इनमें सब में ये सब आएगा। ओके, थैंक यू।